हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कांग्रेस के निशाने पर है। एक तरफ भाजपा इसे अपनी अब तक की ऐतिहासिक जीत के रूप में सेलिब्रेट कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस चुनाव के परिणाम को पहले से ही तय मान रही थी। पार्टी की माने तो कांग्रेस भले ही कितनी भी कोशिश कर लेती, चुनाव के रिजल्ट भाजपा के ही पक्ष में आने थे। इसी के चलते आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हरिद्वार में कांग्रेस विधायकों और कार्यकर्ताओं के बीच सत्याग्रह पर बैठे हैं। ये आप लोग पत्रकार हैं और आप लोग इस बात के गवाह हैं कि 2-3 सीटों में जीते हुए प्रत्याशियों के यहाँ रिकाउंटिंग भी और वो बीजेपी के प्रत्याशी को जिताया गया। जिस तरीके से पहले दिन से यहाँ विरोध हो रहा था कि बक्से टूटे हुए आए हैं और सील पहले से टूटी हुई है, उस पर मतलब लोगों ने रिपोर्ट्स भी दर्ज की, उल्टे 307 से लेके दुनिया भर के मुकदमे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगाए गए हैं। और जहां आप कह रहे हैं कि मैंडेट नहीं मिला, मैंडेट तो बीजेपी को भी नहीं मिला था, उनकी अपनी सीटें केवल 13 जीती थी। लेकिन धनबल से कोई खरीद ले या किसी और लालच से या डरा के किसी को अपने संग शामिल कर ले तो इसका मतलब नहीं है कि उनको मैंडेट मिला है। जनता ने बीजेपी को भी जिताया नहीं है, ये बात स्पष्ट है। देखिए, हरिद्वार पंचायत चुनाव में जिस तरह से भाजपा सरकार ने प्रशासन पर दबाव बनाकर सरकार के इशारे पर प्रशासन ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है और धन बल का इस्तेमाल कर पंचायती चुनाव में जीत हासिल कर जनता के सामने जिसका खेल हुआ है, यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। सब कुछ सबने देखा है, जो कांग्रेस के या अन्य दलों के उम्मीदवार थे वो चुनाव जीतने की स्थिति में थे, चुनाव जीत रहे थे, लेकिन प्रशासन के इशारे पर उन्हें हराने का काम किया गया, उन्हें धमकाने का काम किया। और आज भी भाजपा ने साबित कर दिया है कि चुनाव जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसका मिसाल हरिद्वार के पंचायती चुनाव हैं। सर, अगर गड़बड़ी हुई तो उस समय ही धरने की जरूरत नहीं थी इस तरह के? देखिए, हमारे लोगों ने प्रतिरोध किया, हमारे साथियों ने विरोध किया, लेकिन सुनने वाला जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। प्रशासन ने कोई मदद नहीं की, प्रशासन तो उनके इशारे पर काम कर रहा था, उनके खिलाफ मुकदमे कायम हुए हैं, एक डर और भय बना का वातावरण बनाया है। इसलिए तो आज हम यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को कब तक दबाओगे, कब तक इस तरह का सत्ता में काबिज होने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाओगे। इसलिए आज यहाँ सत्याग्रह का हम साथियों ने सभी ने यहाँ पर आयोजन किया। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर अनियमितता, धनबल का प्रयोग और झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के इन विरोधों को लेकर ये कहना है कि ये सब ड्रामा है और कांग्रेस पार्टी अपनी हार नहीं मान रही है। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ रश्मि पमार में है, देवभूमि इनसाइडर। देखिए, एक कहावत है, खिसी आई बिल्ली खंबा नोची। आज कांग्रेस के हालात ये हो गए हैं। कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता ने विधानसभा चुनाव में नकार दिया। कांग्रेस को जो आशाएं थी उन आशाओं के विपरीत उत्तराखंड की जनता ने निर्णय दिया। आज हरिद्वार के अंदर जिस प्रकार से हरिद्वार की महान जनता ने उत्तराखंड की सरकार के काम पर, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के काम पर मोहर लगाते हुए, अधिकांश जिला पंचायत हो या BDC मेंबर हो या प्रधान हो, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी थे उनको जिताने का काम किया। आप जिस प्रकार से देख सकते हैं कि कांग्रेस किसी भी प्रकार से विरोध करती रहती है, विरोध के लिए विरोध करना केवल उनका एकमात्र मिशन रह गया है। और कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए, इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप जब भी चुनाव हारते हैं लोकसभा विधानसभा तो EVM पर दोष मढ़ते हैं, आज आप फिर से चुनाव हारे तो फिर दोष मढ़ रहे, तो ये कांग्रेस वाले करते रहते हैं। इसलिए ये कांग्रेस हताश कांग्रेस, निराश कांग्रेस है। कांग्रेस के पास न लीडर है, न लीडरशिप है। कांग्रेस के नेताओं को मेरी सलाह है कि
कि पहले अपने संगठन को अपने ऑर्गेनाइजेशन पर काम करें, फिर बात की बात करें। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।